अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी एक मसला बनी हुई है। गुज़श्ता रोज इसकी बोली नाकाम होने के बाद KP हुकूमत की जानिब से PIA खरीदने का हदिया जहर किया गया था, जिसके बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का ये अहम बयान सामने आया कि इनकी कौमी एयरलाइन खरीददारी के हवाले से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बातचीत हुई है। ये गुफ्तगू मीडिया में मंजर आम पर आने के बाद इस हवाले से जमा गोया होने लगी, जिसकी पंजाब हुकूमत की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वजाहत कर दी है। मरियम औरंगजेब की जानिब से जारी बयान में वाजे किया गया है कि पंजाब हुकूमत PIA को खरीदने का इरादा नहीं रखती। इनका कहना था कि PIA खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत में किसी सतह पर बातचीत नहीं हुई। इस हवाले से सिर्फ झूठी और मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं, जिस पर अवाम तवज्जो ना दे। वादर है कि गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा था PIA की खरीददारी के हवाले से मरियम नवाज से इनकी बात हुई है, जिसमें कौमी एयरलाइन को खरीद कर बिल्कुल ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करना और पंजाब के नाम से चलाने पर बात हुई।